नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया फैसला लिया है और अब से आप व्हाट्सएप का यूज़ रात को जो है और रात से लेकर सुबह तक नहीं कर सकेंगे। रात को 11:30 से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका जो व्हाट्सएप है वो बंद रहेगा, यानी आप उस पर किसी को मैसेज जो है वो नहीं भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों इस पूरे न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये न्यूज़ जो है वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप जो है वह 11:30 से 6 बजे तक जो है रोज़ अब बंद रहेगा। और ख़ास करके ये न्यूज़ अब बहुत ज़्यादा फैलने लगी है, जब जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर फैसला आने वाला है तो ऐसी न्यूज़ जो है और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। और जबकि इस बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है, ऐसा कोई भी फैसला सरकार ने नहीं लिया है। और अगर आपको इस टाइम पर व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ ऐसी कुछ भी मिलती है कि मतलब व्हाट्सएप बंद हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं या कुछ भी, तो आप उसको जो है इंटरनेट पर जाकर एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा और तब उसके बाद किसी को फॉरवर्ड कीजिएगा। कोई भी ऐसा मैसेज आपके पास आता है कि व्हाट्सएप गोल्डन हो रहा है, व्हाट्सएप गोल्ड आ रहा है, व्हाट्सएप बंद हो रहा है, व्हाट्सएप पे पैसे लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो आप उस चीज़ को जो है किसी भी व्यक्ति को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, बल्कि उसको पहले क्रॉस चेक कीजिएगा इंटरनेट से, या आप मेरी किसी भी वीडियोस में कमेंट में जाकर उस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। कोई सी भी वीडियो आप मेरी उठा लीजिएगा, वहाँ पर बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ हुआ है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी जो है वो दे दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी कि ऐसा कोई भी फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है, बल्कि एक भ्रामक न्यूज़ है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फैलाई जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस गलतफहमी में ना पड़े, और क्योंकि इसके बहुत सारे गलत परिणाम भी जो है वो निकलते हैं। सो दोस्तों वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।